बहुत हजारों हजारों लोगों से जुड़ी हुई समस्या, लाल डोरा की एक समस्या जो चंडीगढ़ में बनी हुई है, और उन सारी योजनाओं पे किस प्रकार से लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है, किस प्रकार से लोग की समस्याएं इनको दूर की जा सकती है। अधिकारियों से बातचीत किया, अधिकारियों को बातचीत ही नहीं करी, उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है जी। और कहीं ना कहीं अगर प्रोजेक्ट वो यहाँ से अधिकारी बना के भेजेंगे तो निश्चित रूप से मंत्रालय के पास जाएगा, मंत्रालय ने स्वीकृति देनी है। यहाँ हरी झंडी मुझे लगता है अमरनाथ खट्टर ने इन सभी योजनाओं के लिए, पूरा लाइट में भी आया था मेट्रो चलाने का जी, मेट्रो को पंचकुला से और मोहाली को आपस में चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए, और बीच में कहीं कहीं मेट्रो पे कहीं कहीं ये लगने लगा था कि कहीं कहीं खटाई मामला खटाई में जाएगा, लेकिन अमनौला ने जो आस दिखाई है, उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो DPR है वो तैयार हो रही है जी, और उस पर विचार किया जाएगा डेफिनेटली। निश्चित रूप से अभी लोगों में एक और आस जगी है कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं कहीं डंप नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन के चंडीगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने चंडीगढ़ के आला अधिकारियों से मुलाकात की और चंडीगढ़ की समस्याओं के बारे में उनसे बात की। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि 2 दिन की जो दौरा था मनोहर लाल खट्टर का, वो क्या रहा और उसके परिणाम क्या निकले हैं और क्या निकल सकते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री हैं, वो चंडीगढ़ के 2 दिन के दौरे पर थे। चंडीगढ़ की समस्याओं से वो भली भांति जानकार है क्योंकि पिछले 10 साल चंडीगढ़ में ही रहे हैं वो, तो वो चंडीगढ़ की समस्याओं को लेकर 2 दिन के दौरे पर थे। और 2 दिन के दौरे में जो उन्होंने आला अधिकारियों से मीटिंग की या यहाँ के बड़े लीडरों से मुलाकात की, उनसे मीटिंग की, तो उसकी क्या आपको लगता है कि उसका सलूशन क्या निकल सकता है? क्या चंडीगढ़ को उनकी जो बेसिक समस्याएं हैं उससे निजात मिल सकती है? देखिए, मनोहर लाल खट्टर का जो दौरा आपने बताया, पिछले 2 दिन से चंडीगढ़ में उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों से और केंद्रीय जो योजनाएं चंडीगढ़ में चल रही हैं, हालांकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है चंडीगढ़, सारी की सारी मुझे लगता है केंद्रीय योजनाएं हैं ही हैं, उन योजनाओं पर खुलकर अधिकारियों से बातचीत की और किस प्रकार से लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं, इन बारे सारे चर्चा अधिकारियों से की गई। और मनोहर लाल खट्टर जो पिछले 10 साल से चंडीगढ़ में रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की राजधानी है जी, हरियाणा की नहीं, 3 स्टेट की राजधानी चंडीगढ़ है और 3 स्टेट की राजधानी होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक सवाल पैदा होता है कि इन यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट हैं जो, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। और एक हेरिटेज सिटी भी है, माना जाता है चंडीगढ़ को, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से इसको जाना जाता है, तो बहुत सारी अच्छी सुविधाएं इन लोगों को, रेजिडेंट्स को, यहाँ के रियायत जो है लोगों की, उनको मिले। और इस बारे जो शहरी विकास मंत्रालय जो मनोहर लाल खट्टर को दिया गया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए और साथ लगते जो एरिया है उसके लिए, पंजाब के लिए भी। तो इसलिए इन जो चंडीगढ़ की समस्याओं को लेकर उन्होंने जो कई जो इस तरह की योजनाएं हैं जो केंद्र द्वारा संचालित की जा रही हैं जी, PME बस सेवा है, शहरी सार्वजनिक परिवहन है, अटल मिशन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के नाम से जानी जाती वो सेवा है, स्वच्छ भारत मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, PM स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और सभी तरह की जो शहरी विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उन पे खुलकर अधिकारियों से बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया है। और मुझे लगता है अब चंडीगढ़ फिर से, कई साल पहले चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से 1 नंबर का दर्जा ब्यूटीफुल ब्यूटिफिकेशन में मिला था चंडीगढ़ को, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से वो उस दर्जे को कहीं ना कहीं बिल्कुल नीचे आया है। और मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर के केंद्र में जो शहरी विकास मंत्रालय उनको मिला है, इससे कहीं चंडीगढ़ का दर्जा निश्चित रूप से बढ़ेगा
और फिर से एक नंबर पर आपको ये शहर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बिजली संबंधित योजनाओं के बारे में उन्होंने बात की, यहाँ पे लाल डोरा के बारे में यहाँ पे बात की है, और जो बहुत हजारों हजारों लोगों की से जुड़ी हुई समस्या, लाल डोरा की एक समस्या जो चंडीगढ़ में पड़ी हुई है, और उन सारी योजनाओं पे किस प्रकार से लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है, किस प्रकार से लोग की समस्याएं इनको दूर किया की जा सकती है, वो अधिकारियों से बातचीत किया। अधिकारियों को बातचीत ही नहीं करी, उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है जी। और कहीं ना कहीं अगर प्रोजेक्ट वो यहाँ से अधिकारी बना के भेजेंगे तो निश्चित रूप से मंत्रालय के पास जाएगा, मंत्रालय ने स्वीकृति देनी है। यहाँ हरी झंडी मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर ने इन सभी योजनाओं के लिए दे दी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के लिए उनके जो दो दिन का दौरा है ये फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी आपने बात की लाल डोरे की, लाल डोरा चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर इसके लिए लगातार लोग जो है वो प्रशासन से कंप्लेंट्स करते रहे हैं, एजिटेशंस होती रही हैं। तो लाल डोरा की जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ को जो लाल डोरा की समस्या से छुटकारा मिल सकता है? निश्चित रूप से लाल डोरा की जो समस्या चंडीगढ़ में विभिन्न जो गांव है उनके आसपास लोगों ने अपने स्ट्रक्चर बना लिए हैं, नए मकान बना लिए हैं, और इवन के वहां पे रजिस्ट्रियां हो रही हैं। लाल डोरा से बाहर जो स्ट्रक्चर लोगों ने मकान बनाए हैं और उससे कम से कम मुझे लगता है 40-50 हजार लोग प्रभावित हैं। 40-50 हजार लोगों ने मकान बना चुके हैं वो, और जैसे दड़वा गांव है, अलो माजरा है, मलोया है, किशनगढ़ है, खुडाली शेर है, और कई गांव के आसपास है लाल डोरा से बाहर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उन लोगों का कहीं ना कहीं पैसे लगा दिए उन्होंने और उनके कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं लाल डोरा की समस्या जब तक हल नहीं हुई तो उनके स्ट्रक्चर टूट ना जाए, उनके मकान टूट ना जाए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए भी मनोहर लाल ने जो शहरी विकास मंत्रालय है, मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या का समाधान किया जाए, और इस समस्या का समाधान हरियाणा की तरफ पर किया जा सकता है। हरियाणा में उन्होंने लाल डोरा से संबंधित एक योजना लागू की थी जो पूरे देश में लागू हो चुकी है, पूरे देश में केंद्रीय सरकार ने भी लागू की है, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत जो गांव में लाल डोरा से बाहर गए उनको स्वामित्व, उनको एक स्वामित्व का हक दिया गया है, ओनरशिप का हक दिया गया, ओनरशिप उन लोगों को दी। जी 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 जी। इसी पैटर्न पे अगर चंडीगढ़ में इसका जो लाल डोरा की जो समस्या है समाधान होता तो निश्चित रूप से हजारों हजारों लोगों को इस समस्या से निजात, क्योंकि बड़े लंबे समय से अटके हुए समस्या है अगर लाल डोरे की बात मिलेगी। और हर कोई भी सरकार जब भी नई सरकार बनती है या नया कोई यहाँ पे गवर्नर यहाँ पे आते हैं तो उनके सामने ये समस्याएं लोग लेकर जाते हैं, और अभी तक मुझे लगता है इस पर समाधान, इनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब चंडीगढ़ के लोगों को में एक आस जगी है कि यहाँ के रहने वाले और चंडीगढ़ जो पिछले 10 साल उन्होंने यहाँ बिताए हैं जी। और चंडीगढ़ की हर समस्या से रूप वाकिफ है वो, और कहीं कहीं समस्या से निजात उनको मिल पाएगी। जी, लाल डोरे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, और मनोहर लाल खट्टर अगर हरियाणा की तर्ज पर अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली इस समस्या से हल मिल सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो चंडीगढ़ फेस कर रहा है, चंडीगढ़ के सराउंडिंग में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे हम बात करें पंजाब की या हरियाणा की, दोनों स्टेटों की बात करें तो दोनों स्टेटों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चंडीगढ़ के सराउंडिंग में, बड़े शहर डेवलप हो गए हैं जो चंडीगढ़ में या आज के सराउंडिंग में काम करते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में बाहर से सैलानी बहुत आते हैं, तो ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक को लेकर मेट्रो की प्लान चल रहा है, बहुत पहले से प्लान चल रहा था, बीच में फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि वो प्लान जो है वो स्थगित हो गया था, लेकिन अब फिर से उसको हरी झंडी मिली है। तो यातायात जो है या जो ट्रैफिक है, मेट्रो के अलावा और क्या उसकी सॉल्यूशंस हो सकते हैं यातायात को ठीक करने के लिए? देखिए, चंडीगढ़ शहर जब बसा था, ली कार्बूजिए ने इसकी जो एक डिजाइनिंग की थी और उस डिजाइनिंग के तहत चंडीगढ़ को बसाया गया था, और एक एक निश्चित जो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन के लिए शहर की डेवलपमेंट जो प्लानिंग बनी थी उसके तहत ही ये शहर था, और इसलिए जो जो चंडीगढ़ में फैसिलिटी हैं वो मेंटेन की जा रही हैं जी। लेकिन चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हरियाणा लगता है दोनों स्टेट लगते हैं, तो वहीं थोड़ा मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश भी बद्दी साइड में थोड़ा लगता है, लेकिन पहाड़ी एरिया हो हिमाचल पंजाब, एक साइड में पंजाब लगता है तो एक साइड में हरियाणा लगता है, तो दोनों स्टेट ने यहाँ पे बड़े बड़े शहर डेवलप किए हैं। पंजाब
ने मोहाली, पंजाब की बात करें तो मोहाली डेवलपुआ चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, बिल्कुल। और उधर हरियाणा ने पंचकुला डेवलप किया है, पंचकुला के साथ साथ जो पंचकुला की कनेक्टिविटी पिंजौर और कालका से भी हो गई है, और पंजाब में जैसे जीरकपुर है और छोटे छोटे आसपास के जो बनूड हैं और जो छोटे छोटे कस्बे हैं वो भी कहीं कहीं ट्राई सिटी से जुड़ गए हैं। बिल्कुल, ट्राई सिटी में कहा जा सकता है, ट्राई सिटी में अब जनसंख्या बढ़कर मुझे लगता है 30 से 35 लाख की जनसंख्या हो गई जी। और 30 से 35 लाख की जनसंख्या होना एक कहीं ना कहीं पॉपुलस एरिया इसको इसको कह सकते हैं, और उस हिसाब से जो डिजाइन चंडीगढ़ किया गया था कहीं की ट्रैफिक की व्यवस्था भी इनको अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होगी, और उसके लिए प्रोजेक्ट अपने पता ही है पहले तैयार किया गया था, एक पूरा लाइट में भी आया था मेट्रो चलाने का जी, मेट्रो को पंचकुला से और मोहाली को आपस में चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए, और बीच में कहीं ना कहीं मेट्रो पे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं खटाई मामला खटाई में जाएगा, लेकिन मनोला ने जो आस दिखाई है उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो DPR है वो तैयार हो रही है जी, और उस पर विचार किया जाएगा डेफिनेटली। निश्चित रूप से अभी लोगों में एक और आस जगी है कि मेट्रो का जो जो प्रोजेक्ट है वो कहीं कहीं डंप नहीं हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने मेट्रो से भी आगे बढ़कर बात कही है, पोर्ट टैक्सी चलाने की बात कही है जी। पोर्ट टैक्सी मेट्रो के अलावा जो पोर्ट टैक्सी की बात कही उससे कहीं कहीं ये पुख्ता होता है कि पोर्ट टैक्सी तो का तो प्रोजेक्ट उनके दिमाग में है ही, और मेट्रो का प्रोजेक्ट भी कहीं कहीं उस पर विचाराधीन है, और वहां पे जो दिल्ली में वो बात करेंगे उन्होंने आश्वासन दिया मीटिंग में, लोगों को भी आश्वासन दिया है कि दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्रालय है जिस मंत्रालय के भूतल परिवहन मंत्री मुझे मंत्रालय के तहत मुझे लगता है मेट्रो जो प्रोजेक्ट है रेलवे मंत्रालय के और भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उन मंत्रियों से भी बात करेंगे और कहीं कहीं ये जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है ये निश्चित रूप से सिरे चढ़ पाएगा और लोगों को एक बेहतर सुविधा मिलेगी, और जरूरत भी है चंडीगढ़ शहर को। चंडीगढ़, हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ में अम्बाला तक के लोग डेली, अम्बाला से भी पीछे के लोग जो डेली अप डाउन करते हैं, और उधर पटियाला तक के लोग डेली अप डाउन करते हैं, और मुझे लगता है अगर थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से ये फायदा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फायदे का सौदा है, सौदा है सरकार के लिए भी, और लोगों की सुविधाएं भी बिल्कुल मिलेंगी। हाँ, कहीं ना कहीं मेट्रो का अगर दायरा बढ़ाकर मेट्रो लॉन्च की जाए तो इसका फायदा लोगों को और सरकार को दोनों को हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने बिजली के प्रोजेक्ट पे बात की है, सुखना में सोलर एनर्जी बढ़ाने पे बात की मनोहरलाल जी ने की है, सुखना में एक सोलर प्लांट लगाने की बात की उन्होंने की है, और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि इसकी एक परियोजना तैयार करके केंद्र सरकार को मंत्रालय को भेजें, वहाँ हम विचार करेंगे और डिस्कस करके इन योजनाओं को निश्चित रूप से सिरे चढ़ाएंगे। और जी, और कल का जो दौरा था कहीं ना कहीं एक सार्थक दौरा सिद्ध होगा चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के लोगों को बहुत सी समस्याओं से इस निजात मिल पाएगी जी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन के चंडीगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने चंडीगढ़ की समस्याओं के बारे में बात की, और लगता है कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जो समस्या है, चाहे वो लाल डोरे की समस्या है, यातायात की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की, ट्रैफिक की समस्या है, या इसके अलावा कुछ और समस्या है, उन समस्याओं का हल जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।